नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G54 vs Samsung Galaxy F34 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G54 में 6.36 इंच जबकि F34 5G में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो G54 में 2.91 इंच जबकि F34 5G में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो G54 में 192 ग्राम जबकि F34 5G में 208 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि G54 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G54 में LCD जबकि F34 5G में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G54 में 6.5 इंचेस जबकि F34 5G में 6.46 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन G54 में 1080x2400 और F34 5G में 1080x2340px जोर मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G54 में 85.58% जबकि F34 5G में 81.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G54 में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि F34 5G में 399 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G54 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और F34 5G की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 50 MP 1.8 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा लेस देन BR ग्रेटर देन 12 MP 2.2 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लेस देन BR ग्रेटर देन 5 MP 2.4 कैरेट मैक्रो कैमरा लेस देन BR ग्रेटर देन देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G54 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और F34 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो G54 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और F34 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G54 में IMGBXM8-256 जबकि F34 5G में Mali-G68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G54 में MediaTek Dimensity 7020 और F34 5G में Samsung Exynos 1280 मिलता है। बात करें RAM की तो G54 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि F34 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो G54 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि F34 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
G54 में 6 कलर्स जबकि F34 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G54 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 17,540 रुपीस में मिलता है। और बात करें F34 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F34 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में G54 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G84 है, दूसरा वीवो T2 प्रो 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी A15 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी 11 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।